तो लॉकडाउन लगाने के नतीजे अच्छे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ये बयान आया है और जिस कमी से दिल्ली जूझ रही थी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी, उससे भी निजात दिल्ली ने पाई है। अब ग्राफिक वॉल के जरिए आपको आंकड़ों के जरिए समझाऊंगी कि कैसे असर पड़ा है दिल्ली में बिगड़ती हुई स्थिति को लेकर। ये देखिए तस्वीर समझ में आ रही है, 5, 6, 7, 8, 9 मई को तारीख, केसेस कितने आए, मौत के आंकड़े। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। 5 मई से शुरुआत करेंगे, यहाँ पर 20,960 केसेस थे, 311 लोगों की मौत हुई थी। 5 मई को 19,133 केस रिकॉर्ड 6 मई को किए गए, 335 लोगों की जान चली गई। 19,832 केसेस 7 मई को आए संक्रमितों के और 341 लोगों की जान गई। 8 मई को ये आंकड़ा कम हुआ 17,364 का और 332 लोगों की जान चली गई, लेकिन 9 मई को 17,000 कुछ से ये आंकड़ा सीधे 13,336 पे आ गया। एक दिन के अंतर में ही 273 लोगों की जान गई, यानी कि जिस संक्रमण दर की बात दिल्ली में हो रही है और पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे थे 30% से वो ऊपर थी, अब वो लगभग 23% के आसपास आ चुकी है, जो कि बड़ी राहत की खबर है। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे आंकड़े बढ़ रहे थे, विवेक शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, संक्रमण दर में कमी एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हम कह सकते हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली में केसेस बढ़ते जा रहे थे जो कि चिंता का विषय था। ग्राउंड पर कितनी स्थिति बेहतर इस वक्त आपको नजर आ रही है, चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके हो, बेड्स की व्यवस्था को लेकर हो, या फिर मरीजों के बढ़ते या घटते आंकड़े को लेकर हो? देखिए पूर्णिया, बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले अब जो लगातार केसेस सामने आ रहे हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए पिछले 24 घंटे की 13,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं और जो मौत का आंकड़ा है उसमें भी कमी जो है वो देखी गई है। पिछले दिनों की बात की जाए तो 400 से ऊपर मौत का आंकड़ा पहुंच चुका था, लेकिन अब 273 जो है वो 24 घंटे में लोगों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं राहत की बात जो है वो नज़र आ रही है। तो दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आज से बैंकेट हॉल में शादी नहीं होगी, शादी समारोह नहीं होंगे। केजरीवाल सरकार ने साफ ऐलान किया है कि मेट्रो सेवाएँ जो है वो नहीं चलेगी, तो उससे कहीं ना कहीं अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि और केसेस में कमी जो है वो देखने को मिलेगी। साथ ही बेड्स की बात की जाए तो बेड्स में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि धार्मिक संस्थाएं जो है वो दिल्ली सरकार के साथ मिलकर लगातार बेड्स में इजाफा करने में जुटी हुई है। रकाबगंज गुरुद्वारे के अंदर भी 300 बेड का एक कोविड सेंटर बनाया गया है, तो इसी तरह से लगातार देखा जा रहा है कि बेड्स में इजाफा किया जा रहा है। तो दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन में तेजी की गई है। केजरीवाल सरकार ने डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी भी लिखी है और कहा है कि उन्हें वैक्सीनेशन और मुहैया कराया जाए, जिससे कि चलते 3 महीने के अंदर वो पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकें। तो साफ है कि लगातार ठोस कदम दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि इसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। केसेस कम हुए हालांकि इसके पीछे ये भी बात जा रही है कि मुख्यमंत्री की तरफ से दूसरा आज से जो लॉकडाउन अब बढ़ रहा है आगे की तरफ, उसमें सख्ती और लाई गई है जिसका पालन भी लोगों को करना होगा ताकि हम और कमी देख पाए संक्रमण के आंकड़े में। शुक्रिया आपका विवेक जानकारी देने के लिए। ये दिल्ली का हाल बता रहे थे मेरे सहयोगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।